आदाब नाजरीन, मैं उज़्मा शाहीन, एटीएन लाइव उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की खास खबरें। खजाना निर्मला सीतारमण ने रियासतों और मरकजी हितों वज़राई खजाना से प्री बजट मशवरात की। ब्रिटेन ने वजीर आजम मोदी को इस साल जून में होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। बाइडन के हल्फ बर्दारी से पहले अमेरिकी पार्लियामेंट बिल्डिंग कम्प्लेक्स में लगी आग, कैपिटल की इमारतें की गई बंद। बाइडेन इफ्तदार संभालते ही 7 मुस्लिम मुल्क से खत्म करेंगे पाबंदियां, पेरिस मुआहदे पर वापस जा सकते हैं। JP नड्डा ने राहुल गांधी का चीन के बारे में किया महाशिया, पूछा कांग्रेस झूठ बोलना कब बंद करेगी। WHO को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की आलमी सतह पर मंजूरी मिल सकती है। भूटान को भारत मुफ्त में देगा कोविशील्ड वैक्सीन, अमेरिका के कैलिफोर्निया मॉडर्ना वैक्सीन पर लगी पाबंदी। पाकिस्तान ने कोविशील्ड को हंगामे इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी, अब तक 12 से ज्यादा मुल्क के हकमत। UK में इन्फेक्शन से अमवात की तादाद में इजाफा, सितंबर में 20 से 22 तक अमवात हो रही थी, अब रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा रहे हैं। कश्मीर में एक फरिश्ते ने हमीला खातून को बर्फबारी के दौरान अपने कंधे पर अस्पताल ले गए। किसानों की तंजीमों और हुकूमत के माबीन ने जारी कानून से मुतालिक इजलास मुलतवी कर दिया गया, बातचीत कल होगी। सूरत में तकलीफ दे हादसा, डंपर ने बच्चों सहित 22 अफराद को कुचला, 14 की अमवात। वेब सीरीज स्टैंडअप के डायरेक्टर अली जफर ने माफी मांगते हुए कहा मजरत अगर किसी के जज्बात मसरूफ हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग, दिल्ली में पेट्रोल 85 से ताजविश कर गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत कर रिकी पॉन्टिंग और माइकल वॉन की बोलती की बंद। बिहार में अभी 2 दिन और शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, घने धुंध ने रेल और एयरलाइंस को किया मुतासिर। कोरोना दौर में बड़ी रिलीफ, 190 दिन बाद पटना में 7 से कम मुतासिर अफराद पाए गए। बढ़ते हुए जुर्म के मामले में तेजस्वी यादव ने गवर्नर से मुलाकात की, इस सूरत हाल पर तश्वीश का किया इजहार। इंडिगो स्टेशन मैनेजर कत्ल में पुलिस तफ्तीश में स्मगलिंग का एंगल आया सामने। गया के करीमगंज में मुजरिमों ने एक नौजवान को सरेआम मारी गोली, नौजवान शदीद जख्मी हो गया, बेहतर इलाज के लिए पटना किया गया रेफर। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए ATN लाइव उर्दू।